जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, वो भी आपके बारे में बुरा नहीं कहते। आप हमारे एक स्टेट ऑफ स्टेट कॉन्क्लेव में आए थे, वहां पे विपक्ष के तमाम नेताओं ने खड़े होकर आपकी तारीफ की। ये मैंने देखा नहीं है क्योंकि वो तो लड़ते हैं भिड़ते हैं, ये खड़े होकर बोल रहे थे कि नहीं गडकरी जी ठीक है। आपकी फिलॉसफी में, आपके काम करने के तरीके में और जो आपकी पार्टी के बाकी लोग हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है, आपको कहीं लगता है कि क्या ये कैसे होता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई भी आए हो, तो मेरी सोच पॉजिटिव होती है। मैं हमारे अधिकारियों को कहता हूं कि जो वो हमारे पास आया इसका मतलब उसकी कोई ना कोई समस्या है, तो पॉजिटिव अप्रोच मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, दूसरा उसको अच्छी तरीके से रिसीव करो, और तीसरा नहीं हो सकता तो उसको बताओ कि भाई इसमें अड़चन है, ये नहीं हो सकता। मैं कोई पॉलिटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से व्यवहार नहीं करता, ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव है, और इसलिए जो मेरा विरोधी भी होता है मेरा दोस्त बनता है। इट इज बिकॉज ऑफ माई नेचुरल जो कुछ है उसके। पर अभी के जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट हमें चाहे वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस की सोच में आपको चेंज करना है, इसको जड़ से फेंकना है, क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत में विश्वास करते हैं? देखिए, कांग्रेस और हमारी विचारधारा अलग अलग है। अगर हमारी विचारधारा एक होती तो हम एक ही पार्टी होते हैं, और राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई होती है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए, और इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी भी जब होती, हमारे देश की परंपरा ये, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी भी अपोजिशन पार्टी का स्वागत करते हैं, और जब भी कोई आता है तो उसके साथ हम लोग विचारों की मतभिन्नता है उस बात को, कि जब क्या होता है कोई शब्द अलग अलग यूज करता है, आप लोगों को दिन भर टीआरपी चाहिए, आप उसको बराबर लगा के आप आग लगाने का काम कर देते हैं,